चलो हाय गाइस बोलो कहाँ जा रहे हम लोग बंदर के पास बंदर के पास जंगल में बंदर हम लोग नेशनल पार्क जा रहे हैं लायन देखने जा रहे हैं लायन हाँ। लायन हाँ। और टाइगर देखेगा हाँ। मंकी डियर हाँ। वो तो यहाँ है हम लोग नेशनल पार्क जा रहे हैं घूमने के लिए अंशिका अभी हम लोग निकल रहे हैं फ्रेंड जैसा कि पीयू ने बताया हम लोग ना नेशनल पार्क जा रहे हैं मतलब कि जंगल है वो जो नेशनल पार्क है बोरीवली नेशनल पार्क वहाँ पर जा रहे हैं घूमने के लिए है और वहाँ पर है ना पीयू को जंगल दिखाऊंगी किस तरह से जंगल दिखता है प्लस वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंजॉयमेंट करने की चीज़ें वो भी आप लोग को पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारा शूट किया है मैंने तो फिर आप ना बोर हो जाओगे लंबी लंबी वीडियोज़ देखोगे तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोग को दिखाऊंगी किस तरह से हम लोग इंजॉयमेंट किए हैं और किस तरह से वहां पर नेशनल पार्क में अगर आप जाओगे तो किस तरह से चीजें दिखेगी। सुबह तक तो डिसाइडेड था कि मैं मेरा भाई पीयू प्रिंस जाएंगे पर थोड़े थोड़े देर के बाद ना मैं मामी के जो बच्चे हैं वो भी डिसाइड कर ले कि वो भी आएंगे और वो भी हमारे साथ चल दिए हैं तो उन लोग आए ना मुझे बहुत रिलीफ हो गया क्योंकि पीयू प्रिंस को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता अगर उन लोग नहीं आए होते तो जैसे ही हम लोग निकले ना तो हम लोग बस मिल गई तो हम लोग बस में पहले स्टेशन जाएंगे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे और फिर बोरीवली नेशनल पार्क जाएंगे। इनफैक्ट है ना ये लोग की भी जिम्मेदारी मेरे पे है ताकि लोग भी इंजॉय भी कर सके सेफ तरीके से रह सके क्योंकि हम लोग जंगल जा रहे हैं जंगल में बहुत अलग चीज़ें होती है और आपको मालूम है ना जंगल कैसा होता है तो पहले है ना हम लोग टिकट निकालने के लिए हम लोग एलिवेटर से है ना ऊपर जा रहे हैं अंधेरी स्टेशन पर जा रहे हैं अंधेरी स्टेशन है ना ऊपर है और सब लोग हम लोग यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं मेरा भाई जो है टिकट निकालने गया है उसके आने के बाद हम लोग ट्रेन पकड़ के जाएंगे पर यहाँ पर है ना इन लोग इंजॉय करने लगे रिंगा रिंगा जोशी जो है वो करने लगे बेसिकली ना पीयू को बहुत मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें करने के लिए अंशिका और जो ध्रुव है ना वो ऑलमोस्ट छोटे ही है उन लोग है ना एक सीनियर में है और एक फर्स्ट या सेकंड में होगी वो लोग है ना इतना इंजॉय कर रहे थे आपको बता भी नहीं सकती प्रिंस भी ना ट्रेन में इतना मज़ा कर रहा था कि है ना आप है ना सोच भी नहीं सकते मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन लोग इतना अब इंजॉय करेंगे हर चीज़ बेसिकली है ना मेरे घर से ना ज़्यादा दूरी पे नहीं है मतलब कि ट्रेन और बस से जाएंगे ना तो तुरंत पहुंच जाते तो इन लोग को ना बहुत थोड़े थोड़े देर पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो दिवाली का जो भी फरसान वगैरह जो बनाया था बिस्किट वगैरह मैंने सब कुछ कैरी कर लिया था पानी भी कैरी किया था क्योंकि बच्चे जा रहे हैं तो इन लोग को बहुत भूख लगती रहती है तो फिर मैंने सब कुछ कैरी किया था सब लोग ने ट्रेन में भी खाया फिर उसके बाद पीयू ने स्टोन पेपर सीजर अंशिका के साथ खेलने लगी वो भी इंजॉय कर रही थी। आप भी एक बार नेशनल पार्क ज़रूर आइएगा हम लोग ना ट्रेन से उतर चुके हैं और ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं ईस्ट में नेशनल पार्क है ना बोरीवली ईस्ट में है। फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आ रहा था प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हो थोड़ा थोड़ा तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो पानी है ना ट्रेन में ही ख़त्म हो गया था तो मैंने भाई गुड्डू को बोला कि पानी खरीद लेते हैं फिर उसके बाद है ना यहाँ से बस पकड़े हम लोग ऑटो रिक्शा से जाने वाले थे तब पर है ना वहाँ पर शेयरिंग का इतना पैसा बोल रहे थे कि है ना हमारा ट्रैवलिंग उसमें हो जाता है इस वजह से हम लोग ने डिसाइड किया बस से जाएंगे बस जो है एसी बस थी और 6 रुपये में पर पर्सन हो गया नहीं तो ऑटो वाले पर पर्सन 20 रुपीज़ बोल रहे थे और घर जो है ना स्टेशन के ये है ना एकदम पास में ही है नेशनल पार्क ज़्यादा दूर में भी नहीं है वॉकेबल अगर आप फास्ट चलते हो तो 10 मिनट है स्टेशन से। हम लोग नेशनल पार्क के अंदर जा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एंट्री टिकट जो है वो लेंगे अडल्ट का है ना ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ है और बच्चों का 35 रुपीज़ ऐसा कुछ तो है।
ये पैसे इसलिए लेते हैं कि जगह जगह पे जो वॉशरूम्स है वो एकदम क्लीन रख सके और बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप कर दिए बच्चों के लिए, खेलने का जो झूले होते हैं वो हर जगह लगा दिए, बहुत अच्छा मेंटेन करके रखे हैं। पहले मैं ना 7 साल बाद आ रही है इस नेशनल पार्क में वापस, जब मैं कॉलेज में जाती थी ना तब यहाँ पर आती थी, अब है ना बहुत साल बाद आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ें चेंज है और बहुत सारी अच्छी लग रही थी मुझे। बहुत कॉलेज टाइम का जो दिन है वो याद आ गया था। यहाँ पर ना पानी बारिश के दिनों में आप आओगे ना यहाँ पर झरने जैसा बहता है। हम सुबह से निकले थे ना, सबको वॉशरूम आ गया था तो पहले सब लोग ने वॉशरूम यूज़ किया, फिर उसके बाद हम लोग एक है ना कच्चे रास्ते से चलने लगे। सब लोग बोल रहे थे कि कच्चे रास्ते से जाएंगे तो ना ऐसा जंगल का फील ज़्यादा आएगा, रोड से भी जा सकते हैं। रोड इसलिए बनाया गया है कि कानेरी केव तक वो जाता है, यहाँ से कानेरी केव भी जाते हैं। बीच में सोचा गया कि यहीं पे थोड़ा सा लंच कर लेते हैं तो और यहाँ पर आराम करते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे खेलने लगे और लंच करने लगे। आज का छोटा सा वीडियो जो है यहीं तक एंड करती हूँ, आगे आपको दिखाऊंगी हम लोग ने क्या क्या एंजॉय किया और किस तरह से सारी चीज़ें हुई। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीवा प्रिंस, जहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।